5000 साल पुराना मंदिर जिसका अभी जीर्णोद्धार हो रहा है। नाम है चंद्रमौलेश्वर महादेव और जिनका दूसरा नाम है परपोटिया महादेव भी कहते हैं इन्हें। क्यों इन्हें चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है, क्यों परपोटिया महादेव कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं। परपोटे यानी गुजराती का अक्षर है जिसे बुलबुले का गुजराती वर्ड है परपोटे। बुलबुले के आकार के अनगिनत शिवलिंग हैं। ऐसा शिवलिंग आपको पूरे भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, ये स्वयंभू शिवलिंग है। चंद्र की कलाओं का प्रभाव इस शिवलिंग पर गिरता है, इसीलिए इन्हें चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है। पूनम में शिवलिंग पर सफ़ेद निशान बनता है और अमावस में आते आते सफ़ेद निशान गायब हो जाते हैं। शिवलिंग में चंद्र दर्शन होते हैं। पूनम में सफ़ेद और अमावस में श्याम रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है शिवलिंग। तो चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ। परपोटेश्वर यानी बुलबुले, बुलबुलों के आकार का है शिवलिंग जो भारत में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और इसकी खासियत ये है कि अगर हर बार अगर आप बुलबुले गिनेंगे यानी शिवलिंग की गिनती करेंगे तो हर बार गिनती अलग आती है, यानी आपकी गिनती गलत साबित होती है। सहजानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण 1884 में यहाँ पर आए थे, पुजारी को वस्त्र दान किया और चंद्रमौलेश्वर जी की पूजा की थी। गुप्तवास में पांडव भी यहाँ आए थे पूरे परिवार के साथ। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ पर चतुर्मास किया था और चंद्रमौलेश्वर जी की पूजा की थी। आशा करता हूँ कि आपको भी समय मिलेगा और आप भी चंद्रमौलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। कालीकुंड रोड लीलाजपुर ढोलका, खेड़ा ढोलका रोड पर है ये। अहमदाबाद टू ढोलका जाना पड़ेगा आपको, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बोलिए चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। आगे दर्शन करते रहिएगा, दर्शन चालू हैं। आधार महादेव।